फ्रेंड इंस्टाग्राम ने पिन फीचर को लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का क्या बेनिफिट हम सभी लोगों के लिए इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो भी आपका फेवरेट पोस्ट है, चाहे कोई फोटो है, वीडियो है, जहाँ कोई रील्स है, उसे आप पिन कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के होम पेज पर। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितना मर्जी आप पोस्ट अपलोड कर लो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, और जो पिन की हुई पोस्ट है वो सबसे ऊपरी दिखाई देंगी आपको। और तीसरा बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो फेवरेट पोस्ट है वो एक महीना पुरानी है, एक साल पुरानी है, आप किसी भी पोस्ट को पिन कर ऊपर दिखा सकते हो पब्लिक को। और चौथा बेनिफिट ये है कि जो भी पर्सन आपकी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर विजिट करेगा, जो पिन की हुई पोस्ट है उसे ही सबसे पहले वो दिखाई देंगी, और वो जो आपकी फेवरेट पोस्ट है वो उस पर आपको व्यूज भी मिलेंगे और लाइक भी मिलेंगे। और कैसे आपने इस पिन फीचर का इस्तेमाल करना है इंस्टाग्राम की अकाउंट में, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल टेक्स्ट ऐप पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे हम न्यू वीडियो को अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और छोटा सा लाइक करना मत भूलें। सबसे पहले आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ओपन कर लिया है। और उसके बाद मोबाइल स्क्रीन का जो नीचे का राइट साइड कॉर्नर है, वहाँ पर आपको छोटा सा एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का यूजर नेम है। प्लीज़ भाई को फॉलो करना मत भूलें और सपोर्ट करना मत भूलें भाई को। और जहाँ पर आपके सामने सभी पोस्ट आ जाएगी, जो भी आपने इधर पोस्ट की हुई हैं, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, रील्स है, जो सब कुछ इधर ही मिलेगा आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस भी पोस्ट को आप पिन करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इस पोस्ट को करूँगा। जैसे मैंने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो मोबाइल स्क्रीन का जो ऊपर का राइट साइड कॉर्नर है उसके जस्ट नीचे आपको 3 डॉट दिखेंगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इतनी सारी ऑप्शन आ जाएंगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है पिन योर प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपकी जो भी आपकी पोस्ट है वो पिन हो जाएगी वहाँ पर। और जहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अभी इसे बैक करता हूँ। बैक कर देने के बाद जहाँ पर मैं इधर से रिफ्रेश कर देता हूँ, और जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरी पोस्ट है वो पिन हो चुकी है, और पोस्ट के राइट साइड का जो कॉर्नर है ऊपर का, वहाँ पर एक छोटा सा पिन का आइकन आ चुका है। और ऐसे क्या हो कि जो भी पर्सन आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेगा उसे वही पोस्ट सबसे ऊपर दिखाई देगी जो आपने पिन की हुई है, जो आपकी फेवरेट पोस्ट है। और ऐसे आप 3 पोस्ट को पिन कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। जैसे मैं अभी दूसरे को भी कर बता देता हूँ, ये इधर गया, और उसके बाद मैंने फिर से पिन योर प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक किया, और ये भी हो जाएगी जहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद कोई भी आप 3 कर सकते हो, ठीक है, और ये रही, और ये भी मैं कर देता हूँ। और आप 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो भी फेवरेट पोस्ट है वो आप किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपकी वीडियो, जो भी आपकी वीडियो है, फ़ोटो है और रील है, वो उसका वायरल होने का चांस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसी और टेक्नोलॉजी की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो पाने के लिए। और आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।